हाय दोस्तों कैसे हैं आप आज की वीडियो में मैं आपको एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सिखाऊंगा बेसिकली एलईडी बल्ब हर किसी के घर पे इस्तेमाल होते हैं एलईडी बल्ब या फिर एलईडी ट्यूबलाइट के अंदर एक ही जैसा सर्किट इस्तेमाल होता है बस फर्क इतना है एलई बल्ब गोल होता है और ट्यूबलाइट लंबी होती है बस वाटेज का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एलई बल्ब नौ वाट बारह वाट चौदह वाट तक के घर पर इस्तेमाल होते हैं और जो ट्यूबलाइट होती है अट्ठारह या बीस वाट के घर पर इस्तेमाल होती है वैसे ट्यूबलाइट पर मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं आज हमारी बारी है बल्ब को रिपेयर करने की अब यहां पर बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको सिखाऊंगा मैकेनिक की तरह नहीं सिखा रहा हूं बल्कि एक गाइड की तरह मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको कोई भी कोर्स ना आता हो फिर भी आप एल बल्ब रिपेयर कर सकते हैं कोई भी बंदे के लिए ये वीडियो है अब देखिए एल बल्ब को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको मैं क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ कुछ खराब एल बल्ब और कुछ एल बल्ब के ऊपर लगने वाली एम इस तरीके से आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस तरीके से ये आपको अमेजोन या फिर ऑफलाइन मार्केट में दस पांच रुपए की आसानी से मिल जाएगी जैसे एलईडी बल्ब के ऊपर लगती है एनसीपीसी बेसिकली नब्बे प्रतिशत केस में ऊपर जो सर्किट या फिर बल्ब लगा न, वो ही होता है ना वही खराब होता है अंदर का ड्राइवर सिर्फ दस प्रतिशत केस में खराब होता है और हाँ ड्राइवर खराब होने के बाद भी रिपेयर हो जाता है यहाँ पर इन बल्ब के अंदर क्या खराबी निकलती है ये तो वीडियो पे ही हम जानेंगे बाकी हम तैयारी के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं ये आप अमेज़ोन से मंगा सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता है और अमेजोन से भी सस्ते दाम में आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अब यहाँ पर एक इस टाइप का आप होल्डर बना लीजिए होल्डर पे आप सभी बल्ब को एक बार लगाएंगे तो देखिए सभी बल्ब में एक खराबी तो हो नहीं सकती किसी में कुछ ख़राबी है किसी में कुछ खराबी है किसी में कुछ खराबी है जैसे कि ज़्यादातर जो बल्ब होते हैं उनमें ये खराबी देखने के लिए मिलती है देखिए कुछ इस तरीके से आपको डिम लाइट देखने को मिलती है बल्ब टिमटिमाते हैं यह भी दो कारणों की वजह से होता है एक होता है अंदर के ड्राइवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है उसकी वजह से और दूसरा एम में एक बल्ब खराब हो जाने की वजह से तो दो कारणों में से हमने कौन सा कारण यहाँ पर आ रहा है वो हमें जानना है अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो बिल्कुल सही बात है अगर नहीं है तो फिर आपने जुगाड़ ट्रिक लगानी होगी इस तरीके से इसके अंदर लगा के बाहर चिमटी से इस पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ेगा ये थोड़ा सा खतरे वाला वा काम होगा इसको आप मत कीजिएगा सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ लेकिन इसको मत कीजिएगा मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए सौ डेढ़ सौ में आ जाता है अगर मल्टीमीटर है तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका वोल्टेज चेक कीजिएगा मल्टीमीटर को डीसी की रेंज पर रख के वोल्टेज चेक कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट मिलता है हमें डीसी में मिलता है और डीसी यहाँ पर हम दो के आसपास रखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा प्लस को प्लस एंड माइनस को माइनस में इस पॉइंट में रखता हूँ तो आउटपुट हमें लगभग एक वोल्ट एक सौ सात छः सात के समथिंग मिल रहा है चलिए हम 160 वोल्ट इसको मानते हैं इसका मतलब है कि ड्राइवर से हमारा वोल्टेज बन रहा है और एमसी में यानी कि सर्किट में खराबी आने की वजह से हमारे नहीं जल पा रहा है एक चुटकी में आपको इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा देखिए इस तरीके से आप एक इंसुलेशन आप टेप लगा लगा के चिमटी को इस तरीके से बना लीजिए और चिमटी से आप सभी बल्ब को एक एक बार शॉर्ट करके देख लीजिएगा जो बल्ब खराब रहेगा आपका सर्किट चल पड़ेगा ये तो एक शॉर्टकट ट्रिक है आपको मैं एक बार पहले दिखा दू जो बल्ब खराब रहेगा उसको शॉर्ट करने से आपका सर्किट चल पड़ेगा देखिए आप देखते रहिए वीडियो पे देखिए ये बल्ब हमारा खराब है इसको शॉर्ट करने से हमारी ये पूरी बल्ब की सर्किट पूरा चल पड़ी लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता इससे आपका कुछ ही देर में बल्ब खराब हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो काफी लगभग बीस प्रतिशत केस में ये जो खराब बल्ब है इसको हटा के इस पे पॉइंट पे सोल्डरिंग करके बीस प्रतिशत केस में ये बल्ब सक्सेस हो पाता है लेकिन कुछ ही देर में खराब भी हो जाता है इसका कोई पक्का ये नहीं कि इतना ही चलेगा तो ये तो सिर्फ मैं आपको बल्ब खराब निकालने का एक ट्रिक बता रहा हूँ ये देखिए ये बल्ब खराब हो गया या तो इसको शॉर्ट करके आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए नहीं कर सकते हैं तो ऊपर एम सी भी ये है ये है आपकी नौ वाट की बल्ब गिनिएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये नौ वाट की है तो नौ वाट की जो एम सी है वो आप इस पर डाल दीजिएगा ये देखिए 9 वाट की इसमें भी बहुत सारा डिफरेंस होता है एक बल्ब कितने वाट का है ये आपको जानना जरूरी है उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाए यहाँ पर आपको इतना भजड़ नहीं मचाऊंगा सिर्फ वो वीडियो आप देख लीजिए उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा उसमें आप आसानी से जान पाएंगे कि एक बल्ब कितने वाट का है इसमें भी वाल्टेज होता है सिर्फ एक इसमें जो एलईडी लगा होता है ना उसका भी एक वाल्टेज होता है उसको आप डिटेल से जानिएगा फिर यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको एक तरीका तो हमारा देखिए मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ बार अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो उससे आप तो वोल्टेज चेक कर सकते हैं अगर आपको वोल्टेज यहाँ पर लगभग सत्तर वोल्ट से ऊपर आ रहा है तो आपका अंदर का ड्राइवर सही है अगर बहुत कम आ रहा है यानी कि बीस तीस चालीस वोल्ट आ रहा है तो समझ लीजिए आपका ड्राइवर सही नहीं है उस कंडीशन में आपने इसके अंदर का ड्राइव चे, ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा ये तो रहा मल्टीमीटर मल्टीमीटर से हमने एक्यूरेट चेक कर लिया अगर मल्टीमीटर ना होता तो इस तरीके से लगा के हमें चिमटी से इन पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ता देखिए इस तरीके से स्पार्क करेगा स्पार्क कितना तेजी से कर रहा है इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके अंदर जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज होने पर तेजी से स्पार्क अगर करता है तो इसके अंदर का जो ड्राइवर है वो अच्छा वोल्टेज अंदर बना रहा है अगर वो ड्राइवर खराब रहेगा तो स्पार्क कुछ भी नहीं होगा छोटा सा एक चिंगारी सा उठेगा अगर खराब ड्राइवर अंदर का रहेगा देखिए इसमें कितना जबरदस्त स्पार्क स्पार्क कर रहा है देखिए इसके अंदर का ड्राइवर सही है तो दो तरीका है ये तो थोड़ा खतरे वाला रहेगा इसको मत कीजिएगा लेकिन मल्टीमीटर हो तो आप कीजिएगा अब यहां पर जो खराबी थी मैंने आपको बता दी अब यहां पर मैं बल्ब शॉर्ट करने के बजाय यहाँ पर मैं इस सर्किट को ही चेंज कर लूँगा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इसके अंदर जो बल्ब खराब है उसको एक आसान ट्रिक से आप चेंज कर सकते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है उसको देख लेना उस पर एक लाइटर की मदद से या फिर एक सोल्डरिंग आयरन की मदद से एक ऊपर के बल्ब को आप चेंज कर सकते हैं ठीक है बहुत ही आसान तरीके से वो आप ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ सभी का वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ आप देखिएगा और नया नया ट्रिक मेरा जान के सीखिएगा अब यहां पर जो का है वो हम यहां पर लगा लेंगे इस तरीके से एक आपको सजेशन दूंगा इस जगह पे आप हीट सिंह कंपाउंड जरूर लगा लीजिएगा देखिए मैं आपको हीट सिंह कंपाउंड दिखाता हूं पर ये हीट सिंग कंपाउंड है ये आसानी से आप खरीद सकते हैं ये अमेजोन पे भी मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट पर भी मिल जाता है लगभग ये 500 ग्राम का डिब्बी है मे बी ये डेढ़ या दो सौ का आ जाना चाहिए मुझे याद नहीं है मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको खरीदा खरीदा था लगभग दो सौ रुपये तक ये मिल जाता है पाँच इसके अंदर पेस्ट रहता है उस पेस्ट को इस जगह पर अप्लाई करना होता है ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है मैं नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पर वो पेस्ट लगाने के बाद आप इस प्लेट को रखेंगे तो क्या होगा ना इसकी जो हीट है उस वो पेस्ट जो है इसकी हीट को हीट सिंक में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है तो इसीलिए हीट सिंक कंपाउंड से कहा जाता है और उसको लगाया जाता है तो चलिए यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ और मैं जल्दी से यहाँ पर सोल्ड्रिंग मार देता हूँ तो प्लस में प्लस एंड माइनस में मा माइनस हम सोल्ड्रिंग करेंगे तो सोल्डरिंग जो की जाती है इस पर एक डिटेल वीडियो बनाए देखिए काफ़ी लोग जो नए नए होते हैं ना सोल्डरिंग करने में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होता है कन्फ्यूजन होता है कि सोल्डरिंग प्रॉपर सोल्डरिंग कैसे करी जाए उस पर भी वीडियो बनाए उसे जरूर दिल दोस्तों एक मेरा एक टेक्निकल चैनल और है जिसमें मैं बहुत ही डिटेल से टेक्निकल जो काम करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसमें ज़्यादातर मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड और नए नए टेक्निकल जो लोग होते हैं उनसे उनको गाइड करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं उस उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उस पर मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव को नेगेटिव एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ के सोल्डिंग कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिपेयर हो चुका है काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो मे भी आपको यहाँ पर सही से बहुत ज़्यादा बैडनेस की वजह से नहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा चलिए इसको रखते हैं साइड पे और हम चलते हैं नेक्स्ट बल्ब की ओर को अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो और सजेस्ट करूंगा आपको मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाया है इसके अंदर जो ड्राइवर होता है अगर वो खराब हो जाए और आप नया ड्राइवर नहीं लेना चाहते तो इसी ड्राइवर को बाईपास करके आप इसको चलाना चाहते हैं तो उसका वीडियो बनाए उसको जरूर देख लीजिएगा आपको डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या खराबी है मैं, मैं, ज्यादातर मैंने आपको बताया ना नब्बे प्रतिशत खेस में इन बल्ब की खराबी होती है तो देखिए जैसे कि मैं ये काले बल्ब दिख रहे हैं यही खराब दिख रहे हैं तो इसे चेक करते पहले वोल्टेज चेक करेंगे तभी हम कह पाएंगे कि यार यही खराब है अब देखते हैं वोल्टेज कितना बन रहा है यानी कि ये है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ वाट का है तो लगभग वही सत्तर वोल्ट से लेके हमें सौ वोल्ट के आसपास में इसमें मिलना चाहिए आउटपुट में अगर ड्राइवर सही रहेगा तो सौ वोल्ट से ऊपर मिल रहा है हमें तो मतलब दो सौ वोल्ट से ऊपर मिल रहा है यहां पर भाई दो सौ सतहत्तर वोल्ट मिल रहा है अंदर से दो सौ वोल्ट मिल रहा है तो एक काम आपने करना है इसमें एम सी पी सी बी को नहीं लगाना है वो इसलिए क्योंकि यहां पर इसके अंदर जो ड्राइवर लगा है उसकी आईसी खराब हो चुकी है आईसी खराब होने की वजह से ये आउटपुट में बहुत ज्यादा वोल्टेज आउटपुट कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर या तो हमें ड्राइवर रिपेयर करना है या तो एक छोटा सा काम करना है अगर रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से आपको मार्केट में डीओ भी मिल जाती है बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको रिपेयरिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरा काम रिपेयरिंग करने का करने का है तो आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो आपको भी समस्या हो सकती है इसलिए आप सरल से सरल तरीके का इस्तेमाल करें ये डीओ भी आती है यानी कि ड्राइवर ऑन बोर्ड बोलते हैं इसमें डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल डाल के इसे ऑन किया जाता है इसमें कोई भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसे आप मार्केट से आठ से दस रुपये में खरीद सकते हैं अब हम इसमें ड्राइवर डालेंगे इसको शॉर्ट करके मैं बंद कर इसमें शॉर्ट हो ही नहीं रहा यानी कि इसके अंदर ड्राइवर का फॉल्ट है कैपेसिटर भी चार्ज नहीं हो पा रहा है तो चलिए हम अब, अब हम इसके अंदर डी का पूरा लगाएंगे सर्किट इसको हम खोल लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको डिसोल्डरिंग कर लेता हूँ इसके पॉइंट्स को देखिए और यहाँ पर मैं एक स्क्रू ड्राइवर की वजह से इसके प्लेट को ओ, निकाल लेता हूँ आपने काम करना है इसको एक ए, हल्का सा एक कॉर्नर से इस तरीके से दबाना है यानी कि एक गैप सा बनाना है इसको उठाने के लिए देखिए इस तरीके से आपने इसको निकालना है ध्यान रहे ये प्लेट बीच से टेढ़ी ना हो आप जब भी डीओबी या फिर कुछ भी इसमें एमसीपीसीबी वगैरह लगाएं तो बीच से गैप ना बने तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर इसके सर्किट को बाहर निकाल लेता हूँ सर्किट भी आसानी से बाहर निकल जाता है बहुत ही आसान तरीके से आप चाहे तो देख सकते हो वरना वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आप बोर हो रहे हो तो और कुछ सीखने के मिल रहा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ और नए नए ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोग सीखें जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ को देख कुछ सीख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी कमेंट्स भी आप लोगों के द्वारा मिलती है कि जब मैं वीडियो बना के सिखाता हूँ तो आपके द्वारा काफ़ी लोगों की ये कमेंट आती कि वो लोग मुझसे सीख कर अपनी दुकान चला रहे हैं तो बहुत खुशी मिलती है यार मैं जब जो भी आपको नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ तो आपके लिए वो फ़ायदा मिल रहा है उससे तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए और क्या हो सकता है तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता यार फ्री में सिखा रहा हूँ सीखिए कोई भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ आपको ये सब कोर्स पैसों में मिलेगा बहुत ज़्यादा मैंने जगह देखा पैसों में कोर्स मिलता है तो भाई फ्री में सिखाओ तो सीखिए यार और कुछ नया और क्रिएटिव काम कीजिए तो यहाँ पर दो वायर हमने ले लेनी है चलिए मैं बताते भी रहता हूँ दो वायर पतली सी हमने ले लेनी है और ये तो आपकी टेन इन वाली मिल जाती है इससे भी काम चल जाता है इसको आप दो वायर को इस तरीके से डालिएगा यहाँ पर इसका ड्राइवर हमने बाहर निकाल लिया और दो वायर को हम इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देंगे जो हमारा ये मटेरियल जो वेस्ट है उसका भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे देखिए इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे हमें एक्स्ट्रा कोई भी रांगे की जरूरत नहीं पड़ेगी इसी को हम यहाँ पर आँख आई बना लेंगे इसका आँख का सेप बना लेंगे ओहो यहाँ पर यह पिचक गया गर्म था हाथ से पिचक गया चलिए अब बन गया है अब यहाँ पर हम दूसरी बार को डालेंगे देखिए दूसरी बार को डालेंगे बिल्कुल लाइव बता रहा हूँ कहीं भी स्किप नहीं किया मैंने देखिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई अपने फैमिली मेम्बर से ही रिक्वेस्ट करी जाती है तो आप हमारे यूट्यूब फैमिली के एक मेम्बर हैं हमारे सदस्य हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करने का पूरा फर्ज़ बनता है इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक्स्ट्रा वायर जहाँ यहाँ पर जो आई है उसको हम कट कर लेंगे यहाँ पर सिर्फ दो वायर मिली है ड्राइवर हट गया है अब यहाँ पर जिस डी को लगाना है उसको यहाँ पर लगा लूँगा और हीट सिंह कंपाउंड को इस पर अप्लाई करूंगा ताकि यहाँ पर ये ओवर हीटिंग से बचा रहे देखिए आपको मैं दिखाता हूँ हीट सिंह कंपाउंड लगा के देखिए इस तरीके से यहाँ पर ज्यादा नहीं लगाना थोड़ा थोड़ा सा आप लगा लीजिए इस पर भी लगा सकते हैं और यहां पर देखिए बस इसका काम क्या रहता है ना हीट को आपके हीट सिंक तक प्रॉपर ट्रांसफर करने का काम रहता है तो उसको जरूर लगाइएगा सजेस्ट करूंगा और यही कहूंगा कि लगाइएगा काफी लोग पूछते कि इस, इस ये ना हो तो क्या करें इस स्थिति में काफी लोग कोलगेट का भी सजेशन देते हैं मैं तो ये नहीं कहूँगा भी कोलगेट लगाएं अगर आप रिस्क लेके लगाना चाहें तो लगा सकते हैं वो भी कुछ ना कुछ हेल्प कर ही सकता है वैसे हीट सिंह कंपाउंड में ऐसा मटेरियल होता है जो यहाँ पर हीट को ट्रांसफ़र करता है तभी तो नाम उसका हीट सिंग कंपाउंड है वरना लोग सभी कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं पूरा यहाँ पर बता रहा हूँ चलिए ये कस दिया है एक नट और लगना है यहाँ पर मैं भी ढूंढ के कस लूँगा और इस तरीके से रहना चाहिए कोई भी गैप नहीं होना चाहिए आप ध्यान रखिएगा मैं भी दूसरा मिनट लगा लूँगा पहले आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा डेमो और यहाँ पर इन वायर को थोड़ा सा छील के मैं अलग कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से मैं लगा लूँगा यहाँ पर एम और फ्यूज को आप लगा सकते हैं यहाँ पर एम अभी नहीं है मेरे पास और उसको मैं बाद में भी लगा लूँगा यहाँ पर और अगर आप देखना चाहते हैं एम और फ्यूज के कनेक्शन कैसे करे जाते हैं उसका भी वीडियो बनाए उसे आप जरूर देख लीजिएगा वैसे एम और फ्यूज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ओवर वोल्टेज बहुत कम आजकल आ रही है अगर आप लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं करूंगा। मैं मना नहीं करूँगा देखिएगा भाई मैं रिपेयरिंग करता हूँ तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कोई भी चीज़ मैं प्रोजेक्ट वाली वीडियो बहुत कम बनाता हूँ इसलिए यहाँ इस चैनल पे आपको जो भी चीज़ मिलेगी भैया डिटेल से मिलेगी वीडियो जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली हमारी वीडियो 10 20 30 मिनट से भी ऊपर की रहती है देखिए और सीखिए जब मैं आपके लिए एक घंटा दो घंटा वेस्ट कर सकता हूँ तो आप वीडियो देखने के लिए या फिर सीखने के लिए इतना टाइम वेस्ट कर सकते हैं वो भी आँख बंद करके आँख बंद मत कीजिए वो तो एक कहने की बात है आँख बंद करते हुए देखेंगे क्या कभी कभी हंसी मजाक भी होनी चाहिए काफ़ी लोग बोलते सर आप हंसी मजाक नहीं करते तो कभी कभी चलता है वैसे भी ये कोई कॉमेडी चैनल है नहीं जो मैं हंसी मजाक करूँ मेरी एक्स्ट्रा वीडियोस देखने के लिए मेरे वीलॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर मैं बहुत सारे वीडियोस देता रहता हूँ और अपने बारे में वहाँ पर बताता हूँ अगर इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो फाइनली ये तैयार हो चुका है बल्ब जो हमने अभी बनाया था इसको पैक करके हम रख लेते हैं अब आती है नेक्स्ट बल्ब की बारी अगर सेम प्रॉब्लम रहेगा तो मैं इसको, इसको स्किप कर दूंगा फिर भी देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या बन रहा है ये अलग टाइप का मतलब सभी अलग अलग कंपनी के हैं ये क्या है ये पता नहीं किस कंपनी का है ये हमारा है पेनासोनिक का ये और कुछ का सभी के एम सी पी सी भी अलग अलग हैं। चलिए इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं कितना बन रहा है आउटपुट में वोल्टेज चेक करें कितना बन रहा है सिक्सटी सिक्स यानी कि वोल्टेज भाई सिक्सटी सिक्स बन रहा है एक चीज आपको बताना चाहूंगा कंपनी कंपनी के ड्राइवर और एम सी में डिफरेंस रहता है यहां पर एम के ऊपर जो बल्ब हैं उनकी संख्या आप गिनेंगे तो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भैया अट्ठारह वाट का है ये आपका नौ वाट का है यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं नौ वाट का है तो कभी कभी बल्ब की संख्या से आप वाट का अंदाजा मत लगाइएगा कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों यहां पर कम वाट की एक जो होता है ना इसके भी वाट होते हैं मैंने आपको शुरुआती में बताया था अगर आपने स्किप नहीं किया होगा तो तो उस वीडियो को देख लेना आप कितने वाट का एक बल्ब बन रहा है उसी के हिसाब से मैंने पूरा कैलकुलेशन उस वीडियो में किया है आप जरूर देख लेना यहाँ पर छियासठ वोल्ट आउटपुट में आ रहा है तो इसका मतलब है आ, हमारा ड्राइवर सही है एम सी खराब है जैसा कि मैंने आपको बताया था लगभग नब्बे केस में एम में ही फॉल्ट निकलता है अब देखते हैं इसको शॉर्ट करके देखते हैं कौन सी एम खराब है जो सामने निकल के आ जाएगी हाँ ये देखिए देखिए जेब वाली ख़राब है इसको शॉर्ट करने से बाकी चल पड़ी एक तो सॉल्यूशन इसको शॉर्ट करके हटा लेंगे इसकी जगह पर दूसरी लगा लेंगे चलिए वैसे रिपेयर करना ही आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर इसको हम हटा लेते हैं इस तरीके से एक ट्रिक है कि आप इसको आ, इस पे इसके ऊपर सोल्डरिंग मटेरियल डाल दीजिए यानी कि सोल्डरिंग वायर का इस तरीके से बूंद टपका लीजिए एक तो ये तरीका आपका बल्ब बनके तैयार हो चुका है रिस्क है पता नहीं कितना चले दस पंद्रह दिन बीस दिन कभी कभी तो दो तीन महीना भी चल जाता है एक तो ऐसे बना सकते हैं बाकी आप एक काम कीजिए इसके ऊपर जो एम सी पी सी भी लगी है अगर है तो डाल दीजिए नहीं शॉर्ट तरीका भी बता दिया लॉन्ग तरीका भी बता दिया आपको जो करना है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा अब इसके ऊपर अट्ठारह वाला है तो इसमें लगाएं कौन सा देखिए बहुत ही सरल तरीका है अगर छियासठ वोल्ट इसमें मिल रहा है तो लगभग आप सात वाट का एम सी डाल दीजिए पहले हम नौ वाट का डालेंगे अगर चल जाता है तो अच्छी बात है नहीं चलेगा तो फिर हम सात वाट का लगेंगे वैसे नौ वाट का इसमें नहीं चलेगा क्योंकि छासठ वोल्ट मिल रहा है नौ वाट के एम सी को चलाने के लिए छासठ वोल्ट बहुत कम होता है फिर भी हम ट्राई करेंगे चल जाता है तो हम इसी को लगाएंगे ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर प्लस को प्लस एंड माइनस को माइनस से कनेक्ट करके हम एक बार चलाएंगे इसे चल जाएगा तो यहाँ पर पर्मानेंट इसको कर देंगे चलिए ये हमारा सोल्डरिंग हो गया ये भी सोल्डरिंग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा इतनी बेसिक तरीके से आपको शायद ही कोई सिखा पाएगा देखिए नौ वाट का नहीं चल पा रहा मैंने बोला था ना वोल्टेज बहुत कम पड़ जाती है इसके लिए छियासठ जो नौ वोल्ट का होता है उसको चलाने के लिए लगभग सत्तर वोल्ट से ऊपर आनी चाहिए तभी नौ वाट का आपका चल पाएगा इसमें हम सात वाट का लगाएंगे मे बी साठ वाट का एन एफ के लिए फिर भी हम चेक करेंगे अगर नहीं चलेगा तो फिर हम पाँच वाट का लगाएंगे ये सात वाट का है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ वैसे आठ बल्ब इसमें लगे हुए हैं वैसे सात वाट का ही हमें मिल रहा है ये कितने ये कितना का था पाँच छः सात आठ नौ हाँ ये नौ का था ये आठ का है ट्राई करते हैं अगर नहीं चलेगा तो फिर भी हम एक और तरीका अपनाएंगे इसके साथ देखते रहिए और कुछ नया सीखिए पाँच वाट का मेरे पास नहीं है इसी को हम पाँच वाट का बनाएंगे अभी पहले मैं इसमें एक स्क्रू वगैरह लगा वगैरह लगा के इसको परमानेंट कर देता हूँ इसमें हीट सिंह कंपाउंड ऑलरेडी लगा हुआ है मैं अप्लाई नहीं करूँगा फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है चलिए मैं दोनों स्क्रू को पहले लगा लेता हूँ ये लग पड़ा दूसरा बाद में लगाऊँगा पहले हम यहाँ पर इसको रिपेयर करेंगे देखिए आप एलईडी बल्ब का सामान लेके आप छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि एलईडी बल्ब आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं और लोगों को अगर दस बीस रुपये में रिपेयरिंग का काम रिपेयरिंग हो जाती है तो लोग अस्सी या नब्बे रुपये का एल बल्ब क्यों खरीदेंगे एक बार बिजनेस ट्राई करके देखिए अच्छा चलेगा सात वाट का भी नहीं चल रहा अब हम इसको पाँच वाट का बनाएंगे पाँच वाट का कैसे बनाएंगे भाई इसमें एक बल्ब को हम शॉर्ट कर देते हैं मैंने एक बल्ब को हम शॉर्ट कर देंगे एक बार देखेंगे कि चल पड़ रहा है कि नहीं ए बल्ब को शॉर्ट करके भी ये नहीं चल चल पा रहा है प्रॉपरली अभी हम दो बल्ब को शॉर्ट करेंगे दो बल्ब को हम शॉर्ट करेंगे तो प्रॉपरली नहीं चल पा रहा अभी हम तीन बल्ब को शॉर्ट करेंगे ये देखिए तीन बल्ब को शॉर्ट करने के बाद चल रहा है तीन बल्ब को शॉर्ट करते हैं तो बचते कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः लगभग पांच छः बन रहे हैं तो हम छह बल्ब को ही यहां पर रखेंगे बाकी तीन को हम शॉर्ट कर देंगे अब शॉर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ बल्ब उखाड़ के अलग नहीं करने हैं आपने एक काम करना है ये जो ट्रैक है ये जो पूरी सीरीज बन रही है यहाँ से बन रही है एक दो चार पाँच छः सारे सीरीज बन रही है इसको आप यहाँ से उठा के एक दो तीन यहाँ पे घिस के यहाँ पर सोल्डरिंग मार दीजिए इसको यहाँ पर या फिर इसको आप यहां से अगर सीरीज बन रही है तो एक दो तीन इसके बाद यहाँ पर हल्का सा घिस के सोल्ड्रिंग कर दीजिए यह आपका लगभग पाँच वाट का बन जाएगा ऐसी कमाल की ट्रिक आपको हर किसी चैनल पर सीखने के लिए नहीं मिलेगी गारंटी देता हूँ वैसे भी आप लोग जान गए होंगे अभी तक अगर आप हमारे चैनल के परमानेंट सब्सक्राइबर हैं तो यहाँ पर यूनिक से यूनिक नॉइज़ मिलता है देखिए अब यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग मार देता हूँ अब ये कितने वाट का बन गया ये अब पाँच वाट का बन गया देखिए देखिए ये आप पाँच वाट का बन गया अभी प्रॉपरली चल पाएगा तीन बल्ब यहाँ पर नहीं चलेंगे क्योंकि हमने इनकी कनेक्शन हटा दी है मैं यहाँ से स्टार्ट किया है एक दो तीन चार पाँच छः छह बल्ब लगे तो छः वाट मान के चलिए पाँच छः पूरा एक थोड़ा ऊपर नीचे उन्नीस बीस चलता है देखिए रोशनी काफ़ी आ रही है यहाँ पर आपको कम लग रही होगी बट काफ़ी इसमें रोशनी आ रही है तो ये भी एक तरीका है वाट को घटाने का अब हम अगले बल्ब पे देखेंगे क्या इसमें फॉल्ट आ रहा है इसमें भी वही फॉल्ट है एम सी पी सी भी खराब होने का फॉल्ट जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एक बल्ब यहाँ पर काला पड़ा हुआ है तो इसके खराब होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है इसमें एम सी पी सी भी चेंज कर देना है बाकी आपने यहाँ पर सीख लिया हुआ किस तरीके किस तरीके से एलई डी बल्ब को रिपेयर किया जाता है वीडियो थोड़ा सा लंबी थी माफी चाहता हूं लेकिन सिखाने के लिए टाइम लेना पड़ता है और आपको भी टाइम देना पड़ेगा थैंक यू सो मच लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए